नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत टन्ना और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्राउंड जीरो में। यदि आपने अभी तक अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए डोमेन नेम बुक नहीं किया है तो आप एक साल के लिए फ्री में डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। तो डोमेन नेम बुक किस प्रकार से किया जाता है उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और यदि आपने डोमेन नेम बुक कर लिया है तो उसे आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि डोमेन नेम को आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो डोमेन नेम को अपने ब्लॉगर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ से हमने डोमेन नेम बुक किया है। तो मैंने फ्री नोम से डोमेन नेम को बुक किया है एक साल के लिए फ्री में। उसके बाद आप यहां पे साइन इन हो जाइए। मैं यहां पे देखिए साइन इन हो चुका हूं, हेलो मेंटन लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर सर्विस पर जाइए और माय डोमेन नेम्स पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने जितने भी डोमेन नेम बुक किया है सबका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी डोमेन नेम को अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज डोमेन, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज फ्रीनोन डीएनएस, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने की इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें चलना है अपने ब्लॉगर पर और यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा blogspot.com का है, तो उसके यहाँ नीचे देखिए सेटअप ए थर्ड पार्टी URL, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला डोमेन नेम है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसके आगे में आपको www. लगाना है, उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे इतने सारे ऑप्शन आ गए, उसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे टारगेट, तो ये आपका नेम हो गया, ये टारगेट हो गया। इस चीज़ को हम अपने उस वेबसाइट में को पेस्ट कर देंगे, इस वेबसाइट में जहाँ से हमने इसे बुक किया था, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसके सामने यहाँ पर जो कोड है इसे हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम सी नेम कर देंगे। उसके बाद ऐड मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से हमें इसे कॉपी करना है और फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसे भी हम सी नेम कर देंगे। उसके बाद फिर से ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे और उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सेटिंग इंट्रोडक्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज में आपको नीचे ये चार तरह का कोड मिल जाएगा, इस कोड को हमें कॉपी कर लेना है। फिर से जाएंगे यहाँ पे और मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। फिर से हम इसका नीचे वाला कोड कॉपी करेंगे, फिर से मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद उसके नीचे का कॉपी करके मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब सबसे लास्ट वाला को कॉपी करेंगे और यहाँ मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसे सेव कर देना है।
सेव करने के बाद आप देख सकते हैं 6 का 6 वो रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें चलना है ब्लॉग पर और यहाँ इसे सेव कर देंगे। ये सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें 5-10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक वेट करना है। तो करीब 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डोमेन नेम सेव हो गया है, biharpatnanews.tk। तो इस तरह से आप भी अपने कस्टम डोमेन नेम को ब्लॉग के साथ लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड किसी तरह का सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।